हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिरोधा और एलाइस ब्लू के बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और ये वीडियो हमने आप लोगों के कहने पर ही बनाया। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जिरोधा और एलाइस ब्लू के बीच में कंपैरिजन वीडियो बनाइए, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पे हम जिरोधा और एलाइस ब्लू के बीच में लाइव मार्केट में डिटेल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन और एनालिसिस होगा वो कुछ पॉइंट के बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का ब्रोकरेज को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी के ऊपर फोकस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन हमें इंट्राडे और एफएनओ में कितना ज्यादा मार्जिन दे रहा है, क्योंकि इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडिंग में मार्जिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जो हार्डकोर ट्रेडर होते हैं वो मार्जिन अच्छे खासे यूज करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे कि कौन हमें कितना मार्जिन दे रहा, और वो भी हम लाइव मार्केट में देखेंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस करेंगे कि किसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा एडवांस है और कितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, और उसके बाद हम इन दोनों के मोबाइल ऐप के ऊपर फोकस करेंगे कि किसका मोबाइल ऐप कितना ज्यादा एडवांस और यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि हम हर समय कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने नहीं होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोबाइल फोन से ही ट्रेडिंग करते हैं, तो इसी के लिए मोबाइल ऐप को भी यूजर फ्रेंडली और एडवांस होना जरूरी है, इसलिए हम मोबाइल ऐप को भी कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी के लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर है, इसके लिए जिरोधा बेस्ट है या फिर एलाइस ब्लू है, और एट लास्ट हम देखेंगे और लास्ट हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे हमें एडवाइजरी या स्टॉक टिप्स मिलता है या नहीं मिलता है। तो इन सारे 7 मेन पॉइंट्स के बेसिस पे हम जिरोधा और एलाइस ब्लू के बीच में कंपेरिजन करने जा रहे हैं। तो अगर आपको भी डाउट है कि जिरोधा में अकाउंट ओपन करें या फिर एलाइस ब्लू में, तो इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक, यहाँ पे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रोकरेज, अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एक वेबसाइट ओपन करना है, equity2commodity.com। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपका ये इंटरफेस ओपन होगा और वहां पे आपको कंपेयर ब्रोकर सेक्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा और नीचे में आपका लिस्ट मिल जाएगा जिसमें हमने सारे स्टॉक ब्रोकर को आपस में कंपैरिजन किया। तो इसमें आप और सारे स्टॉक ब्रोकर का भी कंपैरिजन देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जिरोधा और एलाइस ब्लू के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमने जिरोधा वर्सेस एलाइस ब्लू पे क्लिक कर दिया, तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि दोनों का जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर में ही है, और जिरोधा आपका 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था और एलाइस ब्लू 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था। वहीं उसके बाद अगर हम अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात करें तो जिरोधा का अकाउंट ओपनिंग फीस है ₹300, वहीं एलाइस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग फीस है ₹500। तो जिरोधा के कंपैरिजन में एलाइस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग फीस ज्यादा है। वहीं अगर हम एएमसी चार्ज को कंपेयर करें तो जिरोधा का एएमसी चार्ज है ₹300, वहीं एलाइस ब्लू का एएमसी चार्ज है ₹350। तो फर्स्ट ईयर जिरोधा में भी एएमसी चार्ज फ्री है और एलाइस ब्लू में भी फ्री है, सेकेंड ईयर से आपको ये पेमेंट करना होता है। तो एएमसी चार्ज भी एलाइस ब्लू में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जिरोधा। उसके बाद हम ब्रोकरेज चार्ज देखते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी डिलीवरी की बात करते हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक्स एक दिन से ज्यादा टाइम के लिए बाई करते हैं तो जिरोधा में भी कोई ब्रोकरेज नहीं लगता, यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज है। वहीं एलाइस ब्लू में भी आपको कोई ब्रोकरेज देना नहीं होता, दोनों में जीरो ब्रोकरेज है। तो इक्विटी डिलीवरी में दोनों का ब्रोकरेज चार्ज इक्वल है। वहीं अगर हम इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो जिरोधा में ₹20 और 0.03% जो भी कम होगा वो ब्रोकरेज चार्ज लगता है, और एलाइस ब्लू में ₹20, 0.01% जो कम होता है वो लगता है। तो ब्रोकरेज चार्ज आप बोल सकते हैं कि एलाइस ब्लू का थोड़ा सा कम है इन कंपेरिजन टू जिरोधा। फ्यूचर्स में भी वही है, ₹20, 0.03% इन जिरोधा एंड ₹20, 0.01% इन एलाइस ब्लू। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में दोनों का सेम ही है, ₹20 पर ऑर्डर, जिरोधा का भी है और एलाइस ब्लू का भी है, बाकी कॉमोडिटी और करेंसी का भी सेम है। तो ब्रोकरेज के मामले में बोल सकते हैं कि एलाइस ब्लू का ब्रोकरेज स्लाइटली कम है जो लोग छोटे अमाउंट में ट्रेड करते हैं उनके लिए। वहीं अगर हम डीपी चार्ज की बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डीपी चार्ज ये आपको इंट्राडे में नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में लगता है। अगर आप कोई भी स्टॉक्स को एक दिन से ज्यादा टाइम के लिए परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको डीपी चार्ज पे करना होता है, वहां पे ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। तो ये डीपी चार्ज जिरोधा का है ₹13.50 प्लस GST, वहीं एलाइस ब्लू का है ₹15 प्लस GST। तो डीपी चार्जेस एलाइस ब्लू का ज्यादा है इन कंपेरिजन टू जिरोधा। वहीं अगर आप कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करें तो जिरोधा में कॉल एंड ट्रेड चार्ज है ₹50 प्लस GST,
वहीं एलाइस ब्लू का कॉल एंड ट्रेड चार्ज है ₹20 प्लस जीएसटी। तो कॉल एंड ट्रेड जीरोधा का बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू एलाइस ब्लू। तो यहाँ पे आप equitytocommodity.com की वेबसाइट पे विजिट करके कंपेयर ब्रोकर सेक्शन पे क्लिक करके आप क्लियरली चेक कर सकते हैं किसमें हमें कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है, सारे चार्जेस के बारे में डिटेल से बताया गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरोधा और एलाइस ब्लू कितना मार्जिन हमें देता वो यहाँ पे मेंशन किया गया, लेकिन ये सब हम लाइव मार्केट में चेक करेंगे कि रियल टर्म्स में अभी करंट मार्केट सिचुएशन में कौन हमें कितना मार्जिन दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जीरोधा एलाइस ब्लू हमें कितना मार्जिन दे रहा वो हम लाइव मार्केट में चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने जीरोधा का काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया और बगल में हमने एलाइस ब्लू का जो एंट वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो हमने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टॉक्स को ऐड किया है, सबसे पहले हमने रिलायंस को ऐड किया जो कि एफएनओ में अवेलेबल है, और उसके बाद हमने निफ्टी फ्यूचर्स को भी ऐड कर लिया और साथ ही साथ निफ्टी ऑप्शंस को भी ऐड किया, उसके बाद बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को ऐड किया और उसके नीचे बैंक निफ्टी ऑप्शंस को भी ऐड कर लिया। तो हम स्टॉक्स में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तीनों में देखेंगे कि कौन हमें कितना मार्जिन दे रहा है, और सेम चीज हमने एलाइस ब्लू के वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लिया। तो सबसे पहले हम जीरोधा पे चलते हैं और यहाँ पे हम रिलायंस इंडस्ट्री को बाई करते हैं। यहाँ पे हम एमआईएस में बाई करेंगे, लिमिट ऑर्डर डालेंगे, हम 10 क्वांटिटी बाई करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का, प्राइस जो हम डालते हैं बाइंग प्राइस वो डालते हैं हम 1400 और यहाँ पे हम बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो यहाँ पे आप ऑर्डर्स में चेक कर सकते हैं ये ऑर्डर्स ओपन है और यहाँ पे हमने 1400 के प्राइस पे 10 क्वांटिटी बाई किया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कितना मार्जिन लगा। मैं यहाँ पे फंड्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन यूज है वो है 1548 रुपीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1400 के प्राइस पे 10 क्वांटिटी बाई करने के लिए इंट्राडे में हमें सिर्फ फंड चाहिए होगा 1548 रुपीज के करीब। सेम चीज हम एलाइस ब्लू के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी बाई करते हैं, रिलायंस के 10 क्वांटिटी को बाई करते हैं 1400 के प्राइस पे। यहाँ पे भी हम लिमिट ऑर्डर डालते हैं और एमआईएस में ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहाँ पे भी हमने बाई कर दिया और यहाँ पे भी हम ऑर्डर में गए, यहाँ पे ऑर्डर मेरा रिजेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे फंड अवेलेबल नहीं है। नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो है 1753 रुपीज। वहीं अगर हम जीरोधा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ लग रहा था 1548 रुपीज के करीब। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंट्राडे स्टॉक्स में जीरोधा में हमें कम मार्जिन लग रहा है इन कंपेरिजन टू एलाइस ब्लू। अब हम निफ्टी के जून फ्यूचर को बाई करते हैं, वन लॉट यानी 75 क्वांटिटी बाई करते हैं एमआईएस में, और यहाँ पे जो हम बाइंग प्राइस डालते हैं वो 9400 यहाँ पे हम बाइंग प्राइस एंटर करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एमआईएस में ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये ऑर्डर भी हमारा रिजेक्ट हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो मार्जिन चाहिए होगा वो है 13308 रुपीज 70 पैसे। तो एलाइस ब्लू में हमें निफ्टी के फ्यूचर्स को 9400 के प्राइस पे बाई करने के लिए 13303 रुपीज चाहिए होगा। तो सेम ऑर्डर हम जीरोधा में प्लेस करते हैं, एमआईएस ऑर्डर 75 क्वांटिटी यानी वन लॉट 9400 के प्राइस पे निफ्टी जून फ्यूचर्स का। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया इनसफिशियंट बैलेंस के कारण और यहाँ पे हमें बता रहा है कि रिक्वायर्ड मार्जिन चाहिए होगा 43203 रुपीज 78 पैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरोधा में हमें 43203 रुपीज लग रहा है, वहीं अगर हम एलाइस ब्लू को देखें तो यहाँ पे हमें लग रहा था 13303 रुपीज। तो फ्यूचर्स में हमें जीरोधा के कंपेरिजन में एलाइस ब्लू में हमें बहुत ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। वहीं अब निफ्टी के जून फ्यूचर्स को सेल करते हैं 9500 के प्राइस पे, इसको भी हम एमआईएस में सेल करते हैं। तो यहाँ पे हमें एलाइस ब्लू में 13323 रुपीज लगा, ऑलमोस्ट जितना बाइंग में लगा उतना ही। अब सेम ऑर्डर हम जीरोधा में भी प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने सेम ऑर्डर प्लेस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 43220 रुपीज हमें लगा है निफ्टी के जून फ्यूचर को सेल करने के लिए 9500 के प्राइस पे। तो हमें सेलिंग में भी एलाइस ब्लू में ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। तो अब हम निफ्टी के ऑप्शंस में ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जीरोधा के काइट प्लेटफॉर्म से निफ्टी के 4th जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में 9600 के कॉल ऑप्शंस में यानी वन लॉट यानी 75 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं और यहाँ पे हम बाई करते हैं 70 के प्राइस पे। यहाँ पे हमने बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया, मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हमने डिटेल्स चेक किया तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको फंड चाहिए होगा 5250 रुपीज ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए। वही सेम ऑर्डर हम एलाइस ब्लू में प्लेस करते हैं निफ्टी के 4th जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में 9600 के कॉल ऑप्शंस में वन लॉट यानी 75 क्वांटिटी 70 के स्ट्राइक प्राइस पे बाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए होगा 2665 रुपीज। वही अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में हमें लग रहे थे 5250 रुपीज और यहाँ पे देख सकते हैं सारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेम है, क्वांटिटी भी सेम है और प्राइस भी सेम है। अब हम सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं सेम चीज का
9600 के कॉल ऑप्शंस का 75 क्वांटिटी यानी वन लॉट का सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं 80 के प्राइस पे। तो यहाँ पे हमने सेल किया, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 37,224 रुपीज चाहिए होगा तब हम इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। वहीं अगर हम सेम ऑर्डर एलआईएस ब्लू में प्लेस करते हैं, यहाँ भी हम 9600 के कॉल ऑप्शंस को 80 के प्रीमियम पे शॉर्ट यानी सेल करते हैं, यहाँ भी ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे हमने डिटेल्स चेक किया, यहाँ पे सिर्फ मुझे 9082 रुपीज चाहिए होगा सेल करने के लिए, वहीं जीरोधा में हमें चाहिए होगा 37,224 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शंस सेलिंग में भी एलआईएस ब्लू में काफी कम मार्जिन लग रहा है इन कंपेरिजन टू जीरोधा। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाई करते हैं। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एक लॉट यानी 20 क्वांटिटी बाई करते हैं 19,000 के प्राइस पे, और इसको भी हम एमआईएस में बाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। डिटेल्स चेक किए तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 9,359 रुपीज चाहिए होगा इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बैंक निफ्टी के जून फ्यूचर्स को 19,000 के प्राइस पे बाई करने के लिए एलआईएस ब्लू में 9,359 रुपीज चाहिए होगा। वहीं सेम ऑर्डर अगर हम जीरोधा में प्लेस करते हैं, यहाँ भी हम बैंक निफ्टी के जून फ्यूचर्स के एक लॉट यानी 20 क्वांटिटी को 19,000 के प्राइस पे बाई करते हैं, तो यहाँ पे भी ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। और डिटेल्स हमने चेक किया तो यहाँ पे बता रहा आपको 31,046 रुपीज चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलआईएस ब्लू के कंपेरिजन में हमें काफी ज्यादा मार्जिन लग रहा है जीरोधा में। और हमने सेम ऑर्डर प्लेस किया है बैंक निफ्टी के जून फ्यूचर्स को 19,000 के प्राइस पे एलआईएस ब्लू में भी बाई किया है। तो अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पे आते हैं और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के 4 जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में हम 19,500 के कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं, और यहाँ पे जो हम बाई कर रहे हैं वो 230 के प्रीमियम प्राइस पे बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। हमने डिटेल्स चेक किया तो यहाँ पे हमें 4,600 रुपीज का फंड चाहिए होगा तब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को 230 के प्रीमियम पे बाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम सेम ऑर्डर एलआईएस ब्लू में प्लेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ 2,340 रुपीज चाहिए होगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और वहीं जीरोधा में हमें 4,600 रुपीज चाहिए होगा। तो दोनों के मार्जिन में आपने डिफरेंस देख लिया। अब हम सेम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के 4 जून वाले एक्सपायरी में 19,500 के कॉल ऑप्शंस को 280 के प्रीमियम प्राइस पे शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे हम एमआईएस में शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सेल ऑर्डर प्लेस किया एलआईएस ब्लू में, और यहाँ पे हमने डिटेल्स चेक किया तो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे हमें 6,763 रुपीज चाहिए होगा इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। वहीं अगर हम सेम ऑर्डर जीरोधा में प्लेस करते हैं, हमें यहाँ भी वन लॉट यानी 20 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं 19,500 के कॉल ऑप्शंस में और 280 के प्रीमियम प्राइस पे। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल्स चेक करें तो यहाँ पे बता रहा है कि मुझे 25,771 रुपीज चाहिए होगा तब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को 280 के प्रीमियम प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एलआईएस ब्लू में हमें ज्यादा मार्जिन मिल रहा है इन कंपेरिजन टू जीरोधा। तो सबसे पहले अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप यहाँ पे जीरोधा को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे स्टॉक्स में वहां पे हमें ज्यादा मार्जिन मिल रहा है इन कंपेरिजन टू एलआईएस ब्लू। तो इंट्राडे स्टॉक्स के लिए आप जीरोधा को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एलआईएस ब्लू बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जीरोधा के कंपेरिजन में हमें काफी ज्यादा मार्जिन मिल रहा है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर को मार्जिन की जरूरत होती है। तो जीरोधा के कंपेरिजन में हमें 3 times ज्यादा मार्जिन दे रहा है एलआईएस ब्लू। और अगर आप ऑप्शंस राइटर है, ऑप्शंस में सेलिंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली एलआईएस ब्लू की तरफ जाइए, क्योंकि वहां पे 10 times का मार्जिन मिल रहा है जबकि जीरोधा में हमें सिर्फ 2.5 times का मार्जिन मिल रहा है। तो अभी भी इस क्राइसिस सिचुएशन में भी जहां पे सारे ब्रोकरेज हाउस ने मार्जिन कम कर दिया, उस टाइम पे भी एलआईएस ब्लू आपको 10 times का मार्जिन दे रहा है सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी के ऑप्शंस को 80 के प्रीमियम पे आप 9,000 में ही शॉर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को आप 280 के प्रीमियम पे सिर्फ 6,000 रुपीज में शॉर्ट कर सकते हैं एलआईएस ब्लू में, जबकि जीरोधा में इसका 3 to 4 times ज्यादा लग रहा है। तो अब हम दोनों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरोधा के काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर लिया और उसके बगल में हमने एलआईएस ब्लू के भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर लिया। तो सबसे पहले जीरोधा के काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हम चार्ट ओपन करते हैं, तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाता है। और सेम प्रोसेस में एलआईएस ब्लू में भी आप चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका चार्ट ओपन हो जाएगा, और इस चार्ट को आप न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सेम आप जीरोधा में भी चार्ट को न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं।
तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो ज्यादा कोई हमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। जीरोधा का भी काफी सिंपल और यूजर फ्रेंडली है और सेम आपका एलाइस ब्लू में भी। अगर आपको कोई इंडिकेटर्स यूज करना, सपोज दैट हमें जीरोधा में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करना है तो सुपर ट्रेंड टाइप करके यहाँ पे डन कर देंगे, यहाँ पे ऐड हो गया सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सेम हम एलाइस ब्लू में ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी हम स्टडीज में जाएंगे, लेकिन एलाइस ब्लू में है इंडिकेटर सेक्शन में सर्च बटन नहीं दिया, आपको ड्रैग करके नीचे जाना पड़ेगा। सपोज दैट हमें सुपर ट्रेंड ऐड करना है तो हमें ड्रैग करके नीचे जाना पड़ेगा, अल्फाबेटिकली है तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सुपर ट्रेंड पे आ गए और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दोनों का एक जैसा ही नजर आ रहा। अगर आपको यहाँ पे कोई और इंडिकेटर यूज करना, सपोज दैट मूविंग एवरेज यूज करना, तो मूविंग एवरेज पे क्लिक कर यहाँ भी यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे काफी आसानी से यूज कर सकते हैं और कोई भी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। आपको डिफरेंट चार्ट यूज करना, सपोज दैट वैन को यूज करना है तो आप डिस्प्ले पे क्लिक करके वैन को यूज कर सकते हैं। सेम वे में आप जीरोधा में भी डिस्प्ले पे क्लिक करके वैन को चार्ट को यूज कर सकते हैं। वहीं उसके बाद आप एलाइस ब्लू में होम, इसमें आपको नीचे डेज गेनर का लिस्ट दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम्स, लेकिन ये ऑप्शन आपको जीरोधा में नहीं मिलेगा। तो एक एलाइस ब्लू के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एडवांस फीचर दिया गया है जिसमें आप, तो यहाँ पे आप डेज गेनर, डेज लूजर, एक्टिव वॉल्यूम स्टॉक्स, किसमें ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कौन अपर सर्किट पे, कौन लोअर सर्किट पे, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन ये चीज जीरोधा में अवेलेबल नहीं है। जो एक स्कैनर दिया गया वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया, उससे थोड़ा सा एलाइस ब्लू को यहाँ पे अपर हैंड मिल जाता है। तो अब हम जीरोधा का काइट और एलाइस ब्लू का एंड मोबाइल ऐप को देखते हैं। अगर आप यहाँ पे प्ले स्टोर रेटिंग देखें जीरोधा का काइट मोबाइल ऐप का, तो इसका प्ले स्टोर रेटिंग है 3.9। वहीं अगर हम एलाइस ब्लू के मोबाइल ऐप का प्ले स्टोर रेटिंग देखें तो इसका है 3.4। वैसे अगर आप यूज करने के बेसिस पे बात करें तो जीरोधा का मोबाइल ऐप और एलाइस ब्लू का मोबाइल ऐप, उसमें ज्यादा कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्ले स्टोर की रेटिंग की बात करें तो जीरोधा के मोबाइल ऐप को थोड़ा सा अपर हैंड मिल रहा है, क्योंकि इसका प्ले स्टोर पे रेटिंग है 3.9 और वहीं एलाइस ब्लू के मोबाइल ऐप का प्ले स्टोर पे रेटिंग है 3.4। तो प्ले स्टोर के रेटिंग के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि जीरोधा का मोबाइल ऐप थोड़ा सा ज्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू एलाइस ब्लू। लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, आपको दोनों काफी सिमिलर नजर आएगा, दोनों में सिमिलर फीचर है और दोनों काफी यूजर फ्रेंडली और एडवांस भी है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड और SIP की बात करें तो उसके लिए जीरोधा बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीरोधा का जो क्वाइन प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड और SIP के लिए वो बेस्ट है। अगर आप म्यूचुअल फंड और SIP के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अनडाउटली जीरोधा को चूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जीरोधा या एलाइस ब्लू किसी में भी अकाउंट ओपन करवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप जीरोधा या एलाइस ब्लू किसी में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अगर आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हैं यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया जाएगा, आपको रिसर्च रिपोर्ट और हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड किया जाएगा और आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी बताया जाएगा। तो आपको इतना कुछ बता दिया जाएगा कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारे सर्विसेज चाहते हैं तो इस वीडियो में जीरोधा और एलाइस ब्लू दोनों का लिंक दिया गया है, दोनों में से जो भी आपको बेटर लग रहा है उसमें से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।